Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me, Saddam Ashraf. So today we are going to discuss about Christoffel symbol. Aaj hum seekhne ja rahe hain ki Christoffel symbol kya hote hain aur iski kinds kitni hoti hain aur wo kya hoti hain. To sabse pehle hum baat karte hain ji, what is Christoffel symbol? Ke Christoffel symbol hamare paas kya hota hai? Christoffel symbol actually हमारे पास functions ऐसे होते हैं जिनका जो partial derivative वो depend करता है metric tensor के ऊपर. और ये जो Christoffel symbols होते हैं ये tensor बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि ये transformations law को, transformation rules को obey नहीं करते, इसीलिए हम इसको tensor नहीं कह सकते. क्योंकि हमने tensor में सीखा था कि ये एक ऐसे mathematical object होते हैं जो transformation rules को obey करते हैं, तो वही तो tensor होता है ना. लेकिन ये जो Christoffel सिंबल है ये टेंसर नहीं होता, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉज को ऑबे नहीं करता, इसीलिए ये बिल्कुल टेंसर नहीं होता. और Christoffel सिंबल की हम बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं कैलकुलस ऑफ टेंसर या फिर टेंसर एनालिसिस में. तो ये हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया जी, हमने ब्रीफली इसको पढ़ लिया कि हमारे पास Christoffel सिंबल क्या होता है. मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ कि वी नाउ इंट्रोड्यूस सर्टन फंक्शंस कॉल्ड Christoffel सिंबल्स विच इज़ डिपेंड अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल आर मेट्रिक टेंसर GIJ, जो कि सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखा हुआ. वी विल सी दी Christoffel सिंबल्स आर नॉट टेंसर ड्यू टू दीज आर नॉट ओबे द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ. दीज सिंबल्स आर यूजफुल डिवेलपमेंट ऑफ द कैलकुलस ऑफ टेंसर. तो ये हमारे पास हो गए जी टेंसर. अब हम इसकी काइंड्स की बात करते हैं. Christoffel सिंबल्स की दो तरह की काइंड्स होती हैं. एक हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ Christoffel सिंबल कहलाती है, दूसरी को हम सेकंड काइंड ऑफ Christoffel सिंबल्स कहते हैं जी. ये जो Christoffel सिंबल्स की काइंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंतहा की इम्पोर्टेंट है. ये मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं और इनके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, थ्योरम्स और प्रूफ्स, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी के फर्स्ट काइंड ऑफ Christoffel सिंबल. ये पहली हमारे पास काइंड्स ऑफ Christoffel सिंबल है वो क्या है जी. हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ Christoffel सिंबल ऑफ Christoffel सिंबल इज़ डिनोटेड बाय, हम इसको फर्स्ट काइंड को इस तरह से डिनोट करते हैं. ये हमारे पास स्क्वेयर ब्रैकेट आपने लेनी है, IJ, K. ये हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ Christoffel सिंबल को डोनेट कर रही है. या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपने सिंबल को पढ़ना है कैपिटल गैमा IJK. इसका और इसका बिल्कुल सेम मतलब है. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों सेम ही होते हैं. कुछ बुक्स में आप जो होते हैं Christoffel सिंबल की फर्स्ट काइंड को इस तरह से डिनोट कर रहे होते हैं और कुछ को हम इस तरह से डिनोट कर रहे होते हैं. तो जैसे मर्जी लिख लें, ये वाली लिख लें या फिर ये वाली नोटेशन लिख लें, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई मसला नहीं है इसमें. तो ये हमारे पास होगी जी फर्स्ट काइंड ऑफ Christoffel सिंबल की नोटेशन. अब यहाँ पे चेक करें, IJ, K इज़ इक्वल टू 1/2 GIK, J+GJK, I-GIJ, K. यहाँ पे ये जो हमारे पास GIK, GJK, GIJ, ये हमारे पास मेट्रिक टेंसर हैं. और यहाँ पे ये जो कॉमा है ये इंडिकेशन कर रहा है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मेट्रिक टेंसर विद रिस्पेक्ट टू जे. यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मेट्रिक टेंसर विद रिस्पेक्ट टू आई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मेट्रिक टेंसर विद रिस्पेक्ट टू के. तो यहाँ पे ये हमारे पास इनकी ये जो इंडिकेशन थी वो भी हमने बता दी. अब हम इसको फर्दर आगे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये तो था. तो यहाँ पे चेक करिए, जो हमारे पास कॉमा है इसको हम आगे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है जे. यहाँ पर चेक करें, पार्शियल QJ, ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है. और यहाँ पर प्लस, यहाँ पे पार्शियल GJK ओवर विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आपने चेक करना है आई लिखा हुआ है. यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के लिखा हुआ है. तो यहाँ पे ये जो आपने लिखा है ना क्यू, यहाँ पे आप यू भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं. तो जिस तरह के क्वेश्चन में आपको ये लिखा होना है, कुछ क्वेश्चन में यू लिखा होता है यहाँ पे, तो आपने यू लिखना है. कुछ में एक्स लिखा होता है, कुछ में क्यू लिखा होता है. तो जो लिखा होना है आपने उसके हिसाब से इसको लिख देना है. तो ये हमारे पास होगी जी फर्स्ट काइंड ऑफ Christoffel सिंबल, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होती है, स्क्वेयर ब्रैकेट IJ, K इज़ इक्वल टू 1/2 पार्शियल GIK ओवर पार्शियल क्यू, सुपर सक्रिट में हमारे पास क्या है यहाँ पे जे है, प्लस पार्शियल GJK ओवर पार्शियल क्यू, सुपर सक्रिट में हमारे पास क्या है आई है, माइनस पार्शियल GIJ ओवर पार्शियल क्यू K.
के है। तो इसको ये हमारे पास होगी फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल। इसको याद करने का एक तरीका ये है कि आपने पहले आई के लिखना है, फिर जे के लिखना है और फिर आई जे लिखना है। यहाँ पे चेक करें, पहले आई के है, यहाँ पे जी आई के है, फिर हमारे पास जे के है, यहाँ पे चेक करें फिर जे के है, और फिर हमारे पास आई जे है, यहाँ पे एंड पे आई जे आ गया। अब यहाँ पे चेक करें आई के है ना, और तीसरी यहाँ पे बचता है जे, तो आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू जे। ये मैं आपको याद करने का यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास जे के और बाकी बच गया आई, तो यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आई लिख दिया इसका पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे आई जे था तो यहाँ पे के बच गया, तो इसको हमने इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। ओके जी, तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंपल। इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है कि शो दैट, आपने शो दैट करना है, साबित करना है कि ये जो आपके पास स्क्वेयर ब्रैकेट में आई जे कॉमा के इज इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल है। आपने इसको साबित करना है कि ये इसके इक्वल है। तो टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन आई जे कॉमा के आर, या फिर हम इस वाली टर्म को, इस वाली एक्सप्रेशन को इस तरह से भी तो लिखते हैं, मैंने बताया आपको ये जो कैपिटल गैमा आई जे के, देन वी कैन राइट। तो हमारे पास हम इसको मेट्रिक आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। आपने ये करना है कि आपने ये वाले टर्म्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि मेट्रिक आंसर जी आई के, जी जे के और जी आई जे, इन तीनों की वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे चेक करें हमारे पास, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है आई के, जी आई के जो कि इक्वल होता है ई आई डॉट ई के, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, जे। जो यहाँ पे बचना है उसी के हिसाब से आपने इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म इसको हमने माना, सेकंड टर्म इसको माना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो आपने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है। तो यहाँ पे चेक करें, फर्स्ट एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हमने पार्शियल जी आई के और पार्शियल क्यू सुपर सर्किट में हमारे पास जे है। तो अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप चेक करें आई जे है कॉमा के आपने लिख देना है, प्लस आई है और यहाँ पे के जे लिख देना है। इसको हमने इक्वेशन वन मान लिया। इसी तरह से हमने इसको फाइंड आउट करना है, जी जे के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जी जे की वैल्यू को मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, जी जे के इज इक्वल टू ई जे डॉट ई के। अब आप इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आई, क्योंकि यहाँ पे जे के और जो नहीं है वो यहाँ पे आई है, तो हमने आई के हिसाब से इसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू जे, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमने इसको भी एक्सपेंड कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको भी हमने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया। इसी तरह से हमने हमारे पास जो थर्ड फॉर्म बची थी जी आई जे, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जी आई जे इज इक्वल टू ई जे डॉट ई जे, सॉरी ये ई आई डॉट ई जे हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू क्यू के। तो यहाँ पे चेक करें, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, प्रोडक्ट रूल लगाया तो हमने इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे आई के है, आई के कॉमा जे हमने लिख दिया, प्लस आई यहाँ पे कॉमा हमारे पास जे के आ गया। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई। अब हमने करना ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू है ना, उनकी लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर देना, राइट को हमने राइट में ऐड कर देना, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना हमने इक्वेशन नंबर थ्री में से। तो नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू टुगेदर्स एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन तीन, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास इक्वेशन वन थी, इसकी लेफ्ट साइड ये है, इसकी राइट साइड हमारे पास ये है, सॉरी इक्वेशन वन। अब यहाँ पे जाकर इक्वेशन टू है, इसकी लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, और इक्वेशन हमारे पास थ्री ये है, इसकी लेफ्ट ये है और राइट हमने ये है। तो हमने ये वाला स्टेप किया और हमने इनको ऐड कर दिया और दोनों इक्वेशंस को ऐड किया और तीसरी में से इसको माइनस कर दिया। तो एक आपने यहाँ पे बात याद रखनी है कि जो हमारे पास मेट्रिक टेंसर होता है ना, मेट्रिक टेंसर हमारे पास सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे चेक करें, ये जी आई जे है ना, तो ये हमारे पास इक्वल होता है हमारे पास किसके, जी, इसको मैं इसके भी इक्वल लिख सकता हूँ, जी जे आई के, यानी कि मेट्रिक टेंसर हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, वो सिमेट्री उसमें यहाँ पे पाई जाती है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने तीनों टर्म को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करवाई, सॉल्व किया, तो फिर क्या हमारे पास बचा, यहाँ पे चेक करें इन तीनों को, ये दो इक्वेशंस थी, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी, और तीसरी में से इसको माइनस किया हमारे पास, तो ये वाली टर्म आ गई।
अब ये जो जिनका अपोजिट साइन है वो कैंसिल हो जाएंगी, सेम साइन वाली आपस में यहाँ पे दो प्लस होंगी तो वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे चेक करें हमारे पास आई के, यहाँ पे आई के वाली टर्म निकालें, यहाँ पे आई के वाली टर्म हमारे पास ये पड़ी है, यानी कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक टेंसर क्या होता है, सिमेट्री होता है। यहाँ पे आई के, ये प्लस वाला साइन है, ये माइनस वाला साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अकेली आई वाली ढूंढें तो आई वाली हमारे पास टर्म यहाँ पे ये पड़ी है आई के जे और यहाँ पे जे के, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, आई जे कॉमा के प्लस जे आई कॉमा के, ये हमारे पास ये दोनों सेम है, मैंने बोला आपको ये सिमेट्रिक होते हैं, या फिर ये जो हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल होता है ना उसकी ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास होती है। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टू आई जे कॉमा के, तो ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे बच क्या जाएगा, ओनली बच जाएगा आई जे कॉमा के इज इक्वल टू 1/2, और ये कंप्लीट सारी की सारी टर्म। तो ये हमने फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल की हमने यहाँ पे प्रूव कर ली है, शो दैट हमने इसको कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने इसको अपने माइंड में रखना है और आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल थी। अब हम बात करते हैं जी सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल, वो हमारे पास क्या होती है। सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल हमारे पास ये होती है, द क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज़ डिनोटेड बाय एम आई जे आर कैपिटल गैमा एम आई जे एंड इट इज़ डिफाइंड एज, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल गैमा है, यहाँ पे एम है, आई जे है, इज इक्वल टू जी एम के और यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट आई जे कॉमा के, ये हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल होता है। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल प्रूव के लिए यहाँ पे दे दी जाती है, तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है, बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पे अगर मैं एम लगाऊंगा तो यहाँ पे भी एम होगा, तो यहाँ पे ये जो टर्म बच जाएगी ना, यहाँ पे जो टर्म बच जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जो इंडेसेस में होगा। यहाँ पे चेक करें आई जे हमारे पास यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ, यहाँ पे आई जे आ गया, यहाँ पे ये दो सेम थे, इस तरह से समय लेके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास के बच जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ और टर्म होती है, यहाँ पे एम की जब बजाय कुछ और होती है, तो जो उसके साथ होगी हमने यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, साबित भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 2019 में ये प्रूव आया है कि आपने इसको साबित करना है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, तो आप इसको साबित भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करें, ओनली ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट रहेगी और इज इक्वल टू जी एम के इंटू आई जे कॉमा के, ये वाली जो हमारे पास टर्म है ना, ये आई जे कॉमा के, ये हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल को हमने प्रूव करना पीछे सीख लिया है, तो आप सारे का सारा वो प्रोसीजर लगा के ओनली क्या करेंगे, ओनली ये करेंगे कि आई जे कॉमा के की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस तरह से आप इसको साबित कर सकते हैं। ये मैंने आपको आई जे कॉमा के पीछे फाइंड आउट करना कंप्लीट सिखा दिया, तो आपने सारा का सारा वो यहाँ पे लिख देना है और लिखने के बाद आपने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, तो ये आप सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जी, जिसमें हमने सीखा क्रिस्टोफल सिंबल क्या होता है, इसकी काइंड्स क्या होती हैं, उनको प्रूव करना सीखा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि इनकी जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, थ्योरम्स है, प्रूव हैं क्रिस्टोफल सिंबल के रिलेटेड, वो हम सीखेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट, कोई मसला, प्रॉब्लम इस लेक्चर के रिलेटेड हो, सो यू कैन प्लीज़ सेंड यू आर वेरी वेरी प्रीशियस फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।